नमस्कार, आप देख रहे हैं जीबी लाइव। नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का बीजेपी पर हमला, ट्वीट कर कहा बीजेपी चाहती है दिल्ली में फेल हो जाए ऑड इवन फॉर्मूला, लोगों से नियम ना मानने को कह रही है बीजेपी। आज फॉर्मूले का है दूसरा दिन, सड़क पर दौड़ रही है इवन नंबर की गाड़ियां। अभिनेता दिलीप कुमार की हालत में सुधार, आईसीयू से बाहर लाए गए, सांस लेने में तकलीफ के बाद देर रात लाए गए थे लीलावती अस्पताल। सेल्फी का शौक बना जानलेवा, मिर्जापुर में ट्रैक पर चल रही ट्रेन के साथ सेल्फी लेने में गई तीन लोगों की जान, सहारनपुर में भी बच्चे ने गवाई जान। हंदवाड़ा में हालात तनावपूर्ण, कई इलाकों में लगाई गई धारा 144, मंगलवार को हिंसक झड़प में गई थी चार लोगों की जान। दक्षिणी जापान में फिर महसूस किए गए भूकंप के झटके, रिएक्टर स्केल पर मापी गई 7.3 तीव्रता, अब तक 11 की मौत, भूकंप के झटकों के बाद जारी किया गया सुनामी का अलर्ट। प्रिंस विलियम और केट मिडलटन आज करेंगे ताज का दीदार, डायना बेंच पर बैठकर खिंचवाएंगे तस्वीर, 20 साल पहले डायना ने यही खिंचवाई थी फोटो। आईपीएल 9 में दिल्ली डेयर डेविल्स को मिली पहली जीत, किंग्स 11 पंजाब को 8 विकेट से हराया, अमित मिश्रा रहे मैच के हीरो। तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबरें, देखते रहिए टीवी लाइव, क्योंकि यहां है खबरें लगातार।